और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम अपने वर्डप्रेस थीम में फेव आइकन ऐड करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, फेव आइकन होता क्या है? अगर आप वीमियो में देखें तो आपके पास यहाँ पे वी लिखा हुआ आ जाता है, ये फेव आइकन है। डेली मोशन में देखें तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका चेक आइकन है। तो इस तरह के कोई भी अगर आपने आइकन यहाँ से बनाने तो आप जो है तो अपने फेव आइकन ऐड बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो वर्डप्रेस का टेम्पलेट है उसके साथ यहाँ पे एक्सएम्प सॉफ्टवेयर जो है उसका यहाँ पे आइकन दिया हुआ है और यहाँ पे भी वही आइकन है। आपने आइकन कैसे बनाने इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आइकन बनाने के लिए मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ और यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। मैं इसकी विड्थ हाइट तीनों 300 देता हूँ और रेजोल्यूशन 300 दे देता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स आइकन बनाने का जो तरीका है वो ये है कि जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 60 डेज वर्डप्रेस ट्रेनिंग, ये बहुत बड़ा आपके पास लोगो है। अगर आप ये लोगो यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आपका यहाँ पे नॉर्मल देखिए इतना सा साइज होता है, स्मॉल साइज होता है इसका, इतने साइज में ये जो लोगो आपका सही नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए अच्छा सही तरीका ये कि आप कुछ शॉर्ट्स और आइकन या फिर आपने जो है तो नाम लिख लें। जैसे 60 डेज वर्डप्रेस ट्रेनिंग है तो मैं ओनली 60 लिख देता हूँ या फिर 60 और डी लिख देता हूँ। इस तरह की कोई आपने वर्डिंग लिखनी है ताकि आपका जो है तो आइकन यहाँ पे बड़ा ना हो। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ ओनली VA ऐड करता हूँ और उसमें मैं काम करता हूँ। और मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ और इस लेयर में मैं लिखता हूँ जी वी फॉर एग्जाम्पल, शिफ्ट को प्रेस करके अपने वी लिखना है, वी से कैपिटल वी आ जाएगा। यहां से अपने स्टाइल चेंज करने तो उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहां से टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहां से आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा फिलहाल ये ठीक है स्टाइल। करने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्या करना है जी, एक और टेक्स्ट में यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ और उसमें ऐड कर लेता हूँ जी ए वी ए आगे जी। आपस कलर चेंज करना है जैसे कि यहाँ पे इसका ये कलर है तो इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल और प्लस से थोड़ा सा जूम करता हूँ। कलर चेंज करने के लिए इसके इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसके ब्लीडिंग ऑप्शन में जाके ए का कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस पर जाता हूँ जी कलर ओवरले पे क्लिक करता हूँ। सो कलर फॉर एग्जांपल ये येलो जो है तो ये ठीक है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यही कलर ठीक है या फिर मैं इसको यहाँ से इस तरह कलर देता हूँ। ओके करता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे ही आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको मैं ऐसा करता हूँ कि कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम करके आगे लाता हूँ और इसको जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि यहाँ पे हमें इस तरह ये नजर आए। मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक को सिलेक्ट किया हुआ और मैं यहाँ से इसको मैं इरेजर टूल लेके देखता हूँ ये काम करेगा कि नहीं, नहीं कर रहा। तो मैं यहां से एक जो है तो यहां से इसको मैं इस ए को जो है तो मैं यहां से मूव करता हूं करके इस पे थोड़ा सा काम करता हूं। वो काम क्या करूंगा कि यहां से लेकर और यहां तक इसका कलर चेंज कर दूंगा या फिर आप कलर डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां से अपने टूल ले लें, पॉलीगोनियल टूल ले लें या जो भी मर्जी आप टूल लें और मैं यहां से लेके यहां तक यहां ये वाला एरिया इसका ये वाला एरिया और इसका यहां से ये वाला एरिया यहां तक जो इसका कलर एंटर करता हूं, इसका कलर मैं यहां से क्या कर देता हूं Alt Backspace प्रेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल न्यू लेयर बना के Alt Backspace प्रेस करता हूँ, देखिए इसका कलर चेंज हो गया और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो अब देखिए अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज जो इसके पीछे हाइड की गई। अब इसी तरह आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ये चीज आ गई जैसे कि यहाँ पे इसका स्टाइल जो है ये
फर्क पड़ रहा है, तो दोबारा से मैं Alt Back Space प्रेस करता हूँ, Control D प्रेस करता हूँ। अब देखिए ऐसा लग रहा है ये इसके पीछे छुप गया। तो ये टेक्निक्स है, और इसको बैक स्पेस जहाँ पे आप करें इसको आप यहाँ से क्रॉप करें, या इसका आप एक जो है तो इसके सबसे बॉटम में यहाँ पे नीचे है, और यहाँ पे आप एक न्यू लेयर या इसी लेयर की जो लेयर आपके पास बनी हुई है इस पर आपने फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कलर दे देता हूँ, यहाँ से ब्लू कलर देता हूँ, कलर देता हूँ, और इसको यहाँ से Alt Backspace प्रेस करता हूँ तो ये आ जाएगा। लेकिन मुझे ये वाला नहीं अच्छा लगा, तो मैं यहाँ से इसका ऐसा करता हूँ कि व्हाइट कलर ले लेता हूँ, Alt Backspace करता हूँ, व्हाइट कलर, ओके ठीक है। और यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, क्रॉप कर दें यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और इसको यहां से यहां तक, ओके क्रॉप कर दिया मैंने इसको। अब क्रॉप करने के बाद भी इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि ये आपके पास फेव आइकन में सही एडजस्ट नहीं होगा। जैसे कि मैं इमेज में जाता हूँ और यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करता हूँ तो ये बड़ा साइज है 122, तो आप इसका साइज 32 रखें, 32 हाइट इसकी 32 रखें, साइज बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। और यहाँ पे पिक्सल पिक्सल और उसकी रेजोल्यूशन आप फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल चले, सही 300 ही रखें और ओके कर दें। इसको साइज का समाल हो गया यहाँ से। अब आपने क्या करना है, इसको फाइल में जाना है और इसको आप सेव कर दे रहे हैं एक्सपोर्ट, और आप यहाँ से सेव फॉर वेब पे क्लिक कर लें, और इसको सेव फॉर वेब में आपने यहाँ से सेव पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे या जहां कहीं आप चाहते हैं इसको आप ऐड कर लें। जैसे कि डेस्कटॉप पे मैं इसको कर देता हूँ जी फेव आइकन के नाम से, फेव आइकन, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, सॉरी दोबारा चाहता हूँ यहाँ पे फेव आइकन, फेव आइकन ऐड किया, और डेस्कटॉप इसको क्या करता हूँ जी यहाँ से सेव कर लेता हूँ, सेव हो चुका है। अब अपने यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में जाएं, डैशबोर्ड में अपने बेस पेज को सिलेक्ट करना है, आपने बेस पेज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे नीचे यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखें तो आपको कह रहा है फेव आइकन, फेव आइकन को अपने अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आपको लोकेशन दी गई इसने कि लोकल होस्ट में वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अंदर WP एडमिन में जाना है, थीम में जाना है, बेस प्रेस में जाना है, इमेज में जाना है, और यहाँ से आपने फेव आइकन .png ऐड कर लेना है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने तो कॉपी पेस्ट करने, जैसे कि मैंने यहाँ पे लोगो ऐड करना आपको बताया था, तो मैं यहाँ से अपलोड पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप में जाता हूँ, और डेस्कटॉप में मैं यहाँ से फेव आइकन जो ये वाला फेव आइकन है इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो फेव आइकन साथ ऐड हो चुका है। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं सेव कर देंगे, फेव आइकन सेव हो गया है, और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि फेव आइकन ऐड हुआ है कि नहीं। अगर फेव आइकन ऐड नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, अपना सी क्लीनर से आपने इसको क्लीन करना है, अपने सिस्टम को क्लीन करना है, रिस्टार्ट करना है और ओपन करना है, तो आपका फेव आइकन ऐड हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो फाइल जो कि हमने बैकअप में सी ड्राइव में रखी हुई है तो उसमें कुछ फाइल जो होती है वो रिमूव नहीं होती, तो इस वजह से आपका फेव आइकन पास टाइम अप्लाई नहीं होते। तो इसका आपने ऐसा करना है कि आपने जो है तो सी क्लीनर यूज करना, सी क्लीनर से आपने क्लीन करना अपने सिस्टम को, तो आपको फेव आइकन ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सी क्लीनर ओपन करता हूँ, मेरे पास सी क्लीनर ओपन हो जाएगा, लेकिन सी क्लीनर के लिए शर्त यह है कि आपने ब्राउजर भी अपने ऑफ करना होता है। ओके तो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, देखें अगर आप पास ऐड नहीं है तो आपने क्या करना है, इसी तरह आपने जो है तो सी क्लीनर की मदद से आपने अपने सिस्टम से सारे के सारे कैशे रिमूव करने, क्लीन करना है, और फिर आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और मैं यहाँ पे इसको सबको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। नो आपको बताता हूँ सी क्लीनर पे कैसे काम करोगे। सी क्लीनर आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना है इजीली, तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा इंटरनेट से। आप फाइल हेपो में जाके वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आप टाइप करोगे filehepo.com, इसे कि आपको बता देता हूँ यहाँ से, मैं ये लिंक भी दे दूंगा फाइल हेपो, मैं आपको लिंक यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा, आपने वहां से डायरेक्ट इस फाइल में आके इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। फाइल हेपो में मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ सी क्लीनर, ये आप देखें यहाँ पे आया हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ, आपका सी क्लीनर आ जाएगा। सी क्लीनर को आपने जस्ट डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड हो जाएगा आपका सी क्लीनर, उसके बाद आपने काम करना है। तो मेरे पास डाउनलोड भी और इंस्टॉल भी है, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, और इंस्टॉल करने के लिए आपने
आपको इतना तो आ गया कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके। आप ओपन करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन करने सी क्लीनर को, सी क्लीनर मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। और सी क्लीनर से आपके जो सिस्टम होता है या आपका जो पीसी होता है इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रह जाती है। रजिस्टर बनिए, ओके कैंसिल। यहाँ पे अपने रन क्लीनर पे क्लिक करें तो देखें काफी सारी कैशे मेमोरी जो आपके पास है, इंटरनेट कैशे और माइक्रोसॉफ्ट इसकी जो जितनी भी हिस्ट्री वगैरह है, तो इन सब चीजों को सर्च कर रहे हैं। आप देखें सी में यूजर तैमूर ऐप डेटा लोकल, यहाँ से आप सर्च कर रहे हैं। इन सब को जब सर्च कर लेगा तो यहाँ पे सामने डिस्प्ले कर देगा, आपने फिर रन क्लीनर करना है। फिर आपने इसी तरह दो तीन बार करेंगे आप इसको, और जब आपके पास यहाँ पे फाइल कोई भी नहीं रहेगी तो आपने इसको क्लोज कर देना। आपका एक तो सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपका सिस्टम जो हैवी होता है उसमें बहुत ज्यादा जो फाइल ओपन की भी होती है वो सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी, और आपका सिस्टम में जितनी भी फालतू किस्म की फाइल्स हैं, टेम्पररी फाइल्स हैं, उन सबको रिमूव कर देगा और आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें तो ये 34 तक आ गया, इसी तरह ये आगे भी जाएगा, 100 तक जाएगा। तो देखिए इतनी ज्यादा फाइल्स ओपन है। अब इन सबको मैंने क्या करना है, अब देखिए 57.444 सेकंड यहाँ पे आपके पास इतनी फाइल्स जो है तो आपके पास यहाँ पे आ रही है। इनको आपने क्या करना है, रन क्लीनर करना है। इसको रन करते जाएं आप 5-6 बार करेंगे तो आपके पास फाइल क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगे। जैसे आप देखें कम रहेगी, दोबारा से मैं रन क्लीनर पे क्लिक करता हूँ। अब थोड़ी कम रहेगी, इसे आपने रन क्लीनर पे क्लिक करना है और आपके पास जब यहाँ पे खत्म हो जाएंगी फाइल तो फिर इसको क्लोज कर देना है। आपके पास सारी की सारी जितनी भी बैक पे फाइल्स जिनकी वजह से आपका सिस्टम हैवी रहता है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।